ओके आज का जो सेशन है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं नए चैप्टर की। एक नया चैप्टर है विच इज स्टेट ऑफ मैटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आज के सेशन में इसकी मेजर हम बातें करेंगे और साथ साथ में हाय अखिलेश, गुड इवनिंग। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल एज हाउ डू दे फॉर्म, एंड अगर वो स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसे बनते हैं तो फिर वो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और एक नया चैप्टर है, तो आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, एंड दैट विल डू। ओके, सो इन केस ऑफ दिस पार्ट, यस, इन दिस, इन केस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू, हाय ऋषि, गुड इवनिंग। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर, लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। अच्छा, ऑब्जेक्टिव से पहले मैं बता दूं आप सभी के लिए, काफी सरप्राइज चीज है कि एक पावर सेशन चालू हो रहा है। पावर सेशन जो एक नया इनिशिएटिव है नून एकेडमी का, जिसमें हम लोग मतलब देर विल बी गेस्ट लेक्चरर, देर विल बी सम स्पेशल लेक्चरर्स, दे विल बी टेकिंग योर क्लास। कुछ लोग होंगे, कुछ आपकी क्लास लेंगे। क्लास कब होगा? सैटरडे संडे को होगा। उसमें कौन सा सेशन होगा? पावर सेशन। पावर सेशन होता क्या है आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा आपको कि 30 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि आपको 100% स्कोर करने में मदद करेगी, और साथ में आप अपने स्कोर मैनेज कर पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे, कितना पढ़ना है, कितना स्किप करना है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और प्रेजेंटेशन को अपने कैसे इम्प्रूव करें, लास्ट मिनट के रिवीजन नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी स्ट्रेटेजी इस लेक्चर में होने वाली है, जहां पर एक्सपर्ट्स होंगे और एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि कैसे अपने टाइमिंग को, अपने प्लानिंग को बनाना है, अपने प्लानिंग को स्टडी करना है। मतलब लाइक हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ यू हैव टू मेक योर स्टडी प्लान, दैट इज व्हाट एवरीथिंग विल बी अंडर दिस वन रूफ कॉल्ड पावर सेशन, ठीक है। तो ये काफी अच्छा, एक काफी बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, आई विल सजेस्ट। एंड आप सभी को इसके नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाय सुमैया सदफ, गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा आप? होप यू आर डूइंग गुड, राइट? ओके, चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन भी करना है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डील करनी है। तो हम इन दो टॉपिक के ऊपर ज्यादातर हम बातें करेंगे आज, कि इंट्रोडक्शन क्या है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला वाला हम लोग देखते हैं। हाय अनुज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। ओके, सो एज वी ऑल आर अवेयर दैट एवरी मैटर, मैटर क्या होता है? पहले मैं आप सबको बता दूं मैटर क्या होता है। मैटर मैटर मतलब रास्ते पे चलते हुए लड़ाई हो जाए उसको मैटर नहीं कहते, वो अलग मैटर है, ये वाला अलग मैटर है, ठीक है। तो उसको मैटर मत ले लेना। यहाँ पर मैटर का मतलब ये है कि एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास, मास एक्सर्टिंग प्रेशर, हैविंग मास एक्सर्टिंग प्रेशर आर कॉल्ड एज मैटर। तो किसी भी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो, जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जो प्रेशर एग्जर्ट करता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ऐसे सब्सटेंस को मैटर कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मैटर। सो मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर इज समथिंग विच हैज मास, मैटर इज समथिंग विच इज
एग्जर्टिंग प्रेशर, इन सारे चीजों को क्या कहते हैं, मैटर। हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें मैटर हैं। आप देखिए, जैसे अगर आप अपने सराउंडिंग में टेबल देख रहे हैं तो टेबल इज अ मैटर, बिकॉज इट इज हैविंग सम सर्टेन मास ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट इज हैविंग सम सर्टेन वॉल्यूम एग्जर्टिंग प्रेशर एवरीथिंग। इफ यू कैन सी द चेयर, चेयर इज अ मैटर। टीवी, इफ यू कैन सी टीवी इज अ मैटर, और यू कैन सी वॉल, वॉल इज अ मैटर। एनीथिंग विच यू कैन सी इज अ मैटर, ये क्या होते हैं बेटा, मैटर होते हैं। और ये जो मैटर होते हैं, ये मैटर जो होते हैं, वो उनके कुछ ना कुछ अपने ओन स्टेट होते हैं, ओन फेज होते हैं। दे आर एग्जिस्टिंग इन सम फेजेस, सम स्टेट। व्हाट आर दोज? सॉलिड, दोज आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। Those materials are what? Solid, liquid, gases. Those phases are solid, liquid, gases. So what is solid, liquid, gases? Solid are those, I'll tell you what is solid. So we'll discuss on that. What is solid and what is the liquid, what is the gases? Okay, so we'll discuss about that. तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैव मास एंड विच एक्सर्ट प्रेशर। एनीथिंग, ऐसी चीजें जिसके पास मास होती है, एग्जर्ट होता है, सॉरी प्रेशर एग्जर्ट करता है एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उनको बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो कुछ नॉन मैटर भी चीजें हैं। चलो कुछ अमेजिंग बात बता देता हूं मैं आपको, कुछ नॉन मैटर भी होता है। नॉन मैटर, नॉन मैटर मतलब हमारे जीवन में नॉन मैटर जैसी चीजें भी हैं जो हमारे लाइफ में एग्जिस्ट तो करती है। दे एग्जिस्ट बट दे डू अल्टर, इवन दे डू अल्टर, बट यू विल नॉट बी एबल टू सी देम। उसको देख नहीं सकते, पहली चीज। उसके उसमें उसके पास कोई मास नहीं होता, नो मास, नो वॉल्यूम, नो प्रेशर। प्रेशर बट दे डू अफेक्ट अवर लाइफ। व्हाट इज दैट? कैन एनीबडी टेल मी? ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे मतलब मास है, मास ही नहीं है उसका, वॉल्यूम भी नहीं है, प्रेशर भी उसका नहीं है, फिर भी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है। दैट आल्सो दैट स्टिल मैटर इन हर लाइफ। बताइए, एयर? नहीं, एयर का तो मास होता है बेटा ना, एयर का तो मास होता है, एयर हैज मास। गैस का भी वजन होता है, गैस का प्रेशर भी होता है, गैस का मास भी होता है अनुज। ठीक है, एयर इज नॉट दी आंसर। एयर इज अ मैटर, एयर इज अ मैटर, नॉट नॉन मैटर। एयर इज अ मैटर, ओके, एयर इज अ मैटर। नॉन मैटर क्या है? नॉन मैटर टाइम, देख लीजिए, टाइम। टाइम का कोई वजन है? टाइम का कोई लाइक मास है? इज देयर टाइम इज हैविंग एनी वॉल्यूम? इज देयर टाइम इज हैविंग एनी प्रेशर? नो, बट स्टिल इट इम्पैक्ट ऑन अस। सो टाइम इज अ नॉन मैटर। टाइम क्या हो गया? नॉन मैटर हो गया। ऐसा मटेरियल जिसको जो मैटर नहीं है लेकिन इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे अभी हमारे पास अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन मतलब फ्रेंडशिप, अब बोल लीजिए दोस्ती बोल लीजिए। जैसे एक फ्रेंड है, उसने क्लास बंक किया तो दूसरे वाले ने उसी के साथ में क्लास बंक किया। क्यों बंक किया? क्योंकि दे वर अफेक्टेड, दे वर वेरी गुड फ्रेंड, दे वर वेरी गुड फ्रेंड, तो उन्होंने बंक कर दिया। तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या इमोशन है, अफेक्शन है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं बेटा, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। तो वो लोग क्या है? दे आर दी नॉन मैटर। दे आर नॉट हैविंग एनी मास, दे आर नॉट हैविंग एनी वॉल्यूम, देन आइदर दे आर एग्जर्टिंग प्रेशर, बट दे डू अफेक्ट अवर लाइफ। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बताइए बेटा, किसको डाउट है? प्लीज प्लीज टेल मी हु इज हैविंग डाउट। हाय मोहिनी, गुड इवनिंग। हेलो गौरी, गुड इवनिंग, कैसे हो बेटा आप सब? चलिए, आज नया चैप्टर हमने चालू किया है, मोहिनी गौरी, हमने नया चैप्टर चालू किया है और इस चैप्टर को हम लोग बात कर रहे हैं। जस्ट अभी हमने कंटेंट डिस्कस किया है, क्या होता है मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे कहते हैं मैटर। विच एग्जर्ट प्रेशर, उसे कहते हैं मैटर। जिसका मास होता है उसे कहते हैं मैटर। सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच हैज मास। मैटर इज हैविंग, हाय उत्कर्ष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर वी हैव स्टार्टेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अ व्हाट इज मैटर। मैटर इज समथिंग व्हिच इज हैविंग मास, व्हिच एक्सर्ट प्रेशर,
विच इज ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैटर। ठीक है, तो ये चीजें हमने बता दी। हमने बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। एवरीथिंग विच यू कैन सी अराउंड अस इज कॉल्ड एज अ मैटर। ओके, सो मैटर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। सेकेंड थिंग इज वॉट नॉन मैटर। आई टोल्ड यू नॉन मैटर मीन्स वॉट दे आर, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सराउंडिंग बट दे आर अल्टरिंग अस। लाइक वी आर यूजिंग दोज टर्म्स लाइक टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर, टाइम इज देयर, वी हैव सम अदर थिंग दैट वी कॉल अफेक्शंस। सो दिस ऑल आर वॉट, दे ऑल आर नॉन मैटर बट दे डू अल्टर आर लाइफ्स। ओके, सो विल गो अहेड विद दिस टॉपिक एंड आज का टॉपिक चालू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया, मैटर, मैटर के कितने होते हैं, फेजेस होते हैं। मैटर डू कंटेन द फेज। मैटर के तीन तीन मेजर फेजेस होते हैं। वैसे तो पांच फेजेस हमारे में है लेकिन हम यहाँ पे तीन ही फेज की बात कर रहे हैं। तीन स्टेट होते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, थ्री स्टेट। विच आर दे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। गैसियस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग मेजर ऑन जो बातें करेंगे, हम लोग गैस के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द गैसेस, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट द सॉलिड लिक्विड एंड अदर थिंग्स। मतलब हम लोग सॉलिड लिक्विड के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम ज्यादा बातें किसके बारे में करेंगे, गैस। लेकिन एक छोटा सा आउटलाइन मैं बता देता हूँ। सॉलिड जो कि रिजिड होता है, रिजिड होता है, एकदम कठोर होता है सॉलिड, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, सॉलिड के अंदर एटम्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। सो दे आर रिजिड जस्ट ड्यू टू दे आर हैविंग हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उनके बीच में क्या होता है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है और इसी कारण से सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से रिजिड होते हैं। ये जो सॉलिड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी लिक्विड के कंपेयर में काफी थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हमने देख लिया। दे आर हैविंग स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक शेप होता है इनका, इनका शेप क्या होता है, फिक्स शेप होता है, स्पेसिफिक शेप होता है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करें हैं। फिर उसके बाद लिक्विड, लिक्विड भी उन्हीं से रिलेटेड होता है। लिक्विड रिजिडिटी नहीं होती है, लिक्विड इज सॉफ्ट, लिक्विड इज हैविंग फ्लूइडिटी, लिक्विड में फ्लूइडिटी है। इनके एटम्स थोड़े से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा इनसे कम होती है एज कम्पेयर टू दी दिस थिंग। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तो वैरी होता रहता है, तो आप सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात कीजिए वो काफी रहेगा। फिर नो स्पेसिफिक शेप, इनके शेप फिक्स नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप ऐड करते हो उस कंटेनर का ये लोग शेप ले लेते हैं। तो ठीक है, ये चीजें हमने देखी हैं लिक्विड के बारे में। गैस क्या होता है, हेलो शिवा, गुड इवनिंग। सो गैस के बारे में, गैसेस एटम्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पे होते हैं गैस के एटम्स। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव जो फोर्सेस हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज एटम्स आर व्हाट वी कैन से, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो लोअर अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन बिटवीन दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस, इन एटम्स के बीच के जो फोर्स हैं उनमें अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा कम होता है। और जब अट्रैक्शन कम होता है तो ऐसे मटेरियल, ये जो इनके अट्रैक्शन जब कम होंगे तो क्या होंगे, ये आसानी से टूट जाते हैं। इजीली यू विल बी एबल टू सेपरेट देम। ओके, इजीली यू विल बी एबल टू सेपरेट देम, दैट्स अ मेजर प्रॉपर्टी अबाउट द गैसेस। वही एक मेन प्रॉपर्टी है गैसेस की, मेजर प्रॉपर्टी है गैसेस की, जिनमें इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा, वीक होते हैं, वीक होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान देंगे, इन सारी चीजों को, इन सारे कंटेंट को ध्यान देंगे और अपने स्लाइड की तरफ आगे चलते हैं। साथ ही साथ में थोड़े थोड़े कंटेंट को हम लोग स्टडी करते जाएंगे। सो ठीक है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाई एक्सचेंज ऑफ हीट एज गिवन बिलो।
बाई एक्सचेंज ऑफ हीट गिवन बिलो, मतलब अगर हीट को एक्सचेंज किया जाए, जैसे हमारे पास आइस था, आइस से मुझे वाटर बनाना है, मैं क्या करूंगा इन्हें हीट कर दूंगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, हीट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, आइस से वाटर बन जाएगा, वाटर को थोड़ा हीट कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर का वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है, और वाटर वेपर को वापस हीट कर दूंगा तो वाटर वेपर को सॉरी कूल कर दूंगा, इफ आई एम कूलिंग इट व्हाट आई एम गेटिंग वाटर अगेन, वाटर को और ज्यादा कूल कर दिया मैंने तो क्या मुझे मिल जाएगा, आइस। तो ये एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट मॉलिक्यूल विल बी गो अवे फ्रॉम ईच अदर। सर इफ वी कूल गैसेस देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन व्हाई डोंट, आगे का नहीं दिख रहा बेटा, बताइए व्हाई डोंट क्या लिखा है आपने, एक बार फिर से टाइप कीजिए, एक बार फिर से टाइप कीजिए, मोहिनी टाइप करेगा, या सो वाटर टू आइस, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस एंड वेयर द सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस, ओके। यस, व्हाई डू गैसेस प्रेजेंट इन फ्रीज गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, नो नो नो, फ्रीजिंग नॉट, सी कंडेंसेशन, द प्रोसेस इज व्हाट कंडेंसेशन, व्हाट वी कैन से व्हेन द गैसेस प्रेजेंट, अच्छा present in the gases they get converted into liquid, the gases present in air you are talking, are you talking about air, air ke andar jo gases hain unki baat kar rahi ho, agar unki baat kar raha beta air ke andar jo gases hain agar unki baat kar raha to wo ek certain temperature pe cool down hote hain, unke andar jaise moisture hai vapor hai ye sari cheeze hai wo cool down hoke fog banna, ya fir agar aap dekhoge ki कश्मीर वैलीज वगैरह में ज्यादातर जब बर्फ गिर की बारिश होती है ये सारी चीजें होती है, तो वो सब क्या है, वो हमारे एयर के गैसेस ही हैं, जो मॉइस्चर वगैरह है, जो वाटर वगैरह है, वो बर्फ बन के नीचे गिरता है, ठीक है, वो चीज है, तो आपको उतना याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा हीट करने में, हीट करने में सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, so that is what is the content here, so if you'll heat it it will becomes the solid to liquid and liquid to gas, I hope it is clear, theek hai, chale aage, baat samajh mein aa rahi hai ki nahi aa rahi, sir I'm talking about the gases present in refrigerator, gases present in freeze gets converted into liquid, हाँ सो दे गेट कन्वर्ट ना, अभी आप जैसे फ्रिज ओपन करोगे थोड़ी देर के लिए ओपन रख दो गैस को फ्रिज को, तो थोड़ी देर में बाद देखोगे कि आप उसके प्लेट पे बाकी जगहों पे वाटर के ड्रॉपलेट कंडेंस होके गिरे रहेंगे, जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो गर्म की वजह से कंडेंस होके वापस गिर जाएंगे वहां पर, मतलब मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलती है, the gases present in the freeze get converted into the liquid, why do they, who don't they get converted to liquid, ha to see any material get condensed into liquid state if they should reach to that temperature, wo us temperature pe pahunchne chahiye beta, to wo honge aise, jo bhi material hai us material ka us temperature pe pahunchna chahiye to hoga, nahi to nahi hoga, chaliye next topic pe baat karte hain, this was I was talking, ये वाले स्लाइड की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इसको इस यहाँ पे आपको मिलेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, द माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड मीन एटॉमिक मॉलिक्यूलर सेपरेशन, यू कैन सी द सॉलिड्स, सॉलिड्स के केस में देयर एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द प्रॉपरली अरेंज, ओके दे आर प्रॉपरली अरेंज, and here you can see the separation 3 to 5 angstrom, 3 to 5 angstrom unit is the separation between the two atoms, do atom ke beech ki duri jo hai wo 3 se 5 angstrom ke beech ki duri hai, theek hai, aur yahan par mean separation iska kitna hai liquid ka 3 se leke 10 angstrom ka duri hai, theek hai, 3
तीन से लेकर 10 एमस्ट्रॉन्ग की दूरी है, और यहाँ पे क्या मीन सेपरेशन इज ग्रेटर देन 5 एमस्ट्रॉन्ग, 5 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस क्या है 5 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा डिस्टेंस है. इसका मतलब कि गैसेस आर मच मोर फार अवे फ्रॉम, एटम्स आर मच मोर फार अवे फ्रॉम दी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड कम्पेयर टू द लिक्विड. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स. सो पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड विद द टाइटली हेल्ड एंड हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल. इनके पार्टिकल कैसे होते हैं, अच्छे से हेल्ड होते हैं, अच्छे से मिले होते हैं, अच्छे से क्या होता है जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, दे आर प्रॉपरली हेल्ड, टाइटली हेल्ड एंड हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, इसके पार्टिकल देखिए, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. इनके पार्टिकल क्या होते हैं, इररेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इनके एटम्स अच्छे से पैक नहीं होते हैं, थोड़े लूज होते हैं. क्यों, इसका कारण क्या है कि बिकॉज उनके एटम्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं बहुत ही दूर रहते हैं, उनके एटम्स बहुत ही दूर होते हैं. सो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड वंस दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर व्हाट विल हैपन, दे आर लूजली पैक्ड. Particles are more loosely packed, highly irregular arrangement. So these particles are more loosely packed. First point. Second point is what? Highly irregular. So बहुत ही ज्यादा irregular होते हैं, and most they are loosely packed. The movement of the particle. The movement of the particle, particles cannot move freely as occupy the fixed position. They cannot move freely, occupies the fixed position. The particles can move a small distance within the liquid. They can move with a small distance with the liquid. Means they do not have, these do not have fluidity. They do not have fluidity. Here they do have fluidity. Fluidity इनके बीच में होता है बेटा, fluidity. ठीक है, they do have fluidity. इसमें fluidity होता है, इसमें fluidity नहीं होता. They do not have fluidity. And here they are having highly random. Their particles are continuous random in nature. They can travel to this long distance. Okay, so this is what the nature of the solid and liquid. फिर शेप्स की बात कर रहे हैं, शेप्स एंड वॉल्यूम. इन केस ऑफ सॉलिड्स दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एंड इन केस ऑफ लिक्विड दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर. वो लोग क्या करते हैं, शेप किसका ले लेते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं. दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दैट वी शुड नो, टेक द शेप ऑफ कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. मतलब इसमें क्या होता है कि दे आर हैविंग फिक्स वॉल्यूम. जैसे 1 लीटर आपके पास वाटर है, 1 लीटर वाटर है, आप उसको ग्लास में भरेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, लेकिन वो रहेगा 1 ही लीटर. ठीक है, आप अगर बकेट में भरेंगे, इफ यू फिलिंग इन बकेट, देन इट विल, देन इट अगेन रिमेन 1 लीटर एंड इट विल टेक द शेप ऑफ बकेट. इफ यू फिल इन सम राउंड नेक बॉटल और समथिंग, इफ यू फिल इन दैट, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट राउंड नेक बॉटम बॉटल और दिस थिंग फ्लास्क, बट इट विल रिमेन 1 लीटर ओनली. मीन्स द वॉल्यूम इज वॉट, कॉन्स्टेंट. देर डेफिनेट वॉल्यूम, देर वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, बट हियर वॉल्यूम इज नॉट कॉन्स्टेंट. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. फिर आपको एक और चीज रखनी है कि टेक द शेप ऑफ गैसेस के केस में क्या होता है, दे टेक द शेप ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. कंटेनर के वॉल्यूम का शेप ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं. और वो कैसे ले लेते हैं, देखो वॉल्यूम का भी शेप लेते हैं. जैसे कि मान लो एक छोटा सा कंटेनर जिसके अंदर गैस भरा है, आपने इसको ओपन कर दिया बड़े कंटेनर में, तो ये गैस भी क्या हो जाएगा, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा. तो इसका मतलब क्या है कि देयर शेप एंड द वॉल्यूम बोथ डू चेंजेस. दोनों क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं. ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इनके बीच, दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ एटम्स बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से स्पेस बहुत कम है. यहाँ पर मॉडरेट स्पेस है, यहाँ पर लार्ज स्पेस होता है. इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इफ विल चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी चेंज इज अ स्मॉल, बट इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम चेंज विल बी हाइएस्ट.
मतलब अगर आप हीट करते हो तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम भी इसका चेंज हो जाएगा। तो बात ये समझ में आ गई। सम आर देयर कंप्रेसिबल, कंप्रेशन और एक्सपांशन, सो यू कैन से प्रैक्टिकली सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल कंप्रेसिबल एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस कर सकते हो, उनकी गैसेस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हो उनको, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में जनरली कंप्रेसिबिलिटी का कोई असर नहीं होता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए आपको याद रखने चाहिए। तो ये चीजें आप थोड़े से नोटिस कीजिएगा। किसी बच्चे को कंप्रेशन का मीनिंग, सुमैया कंप्रेशन का मीनिंग होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा डब्बा है और उसके अंदर 50 एटम रखे हुए हैं गैस के, 50 मॉलिक्यूल गैस के हैं, मान लीजिए ऐसे 50 मॉलिक्यूल, और आप क्या कर सकती हैं गैस के लिए, यस इनवर्ट प्रेशर, सही बात है। तो आप इसको क्या कर सकती हैं गैस के लिए, इन केस ऑफ गैस की बात कर रहा हूं, तो आप इस पे प्रेशर अगर अप्लाई करेंगी तो एक छोटे डब्बे में भी 50 मॉलिक्यूल को भर सकती हैं। इसका मतलब उनको नजदीक नजदीक कर दिया ना आपने, पहले तो दूर दूर थे, उनको नजदीक कर दिया। जैसे एग्जाम्पल हमारे घर का एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके गैस भरा होता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो गैस इतना ज्यादा भरा होता है कि वो कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में आ गया रहता है, ठीक है, जैसे ही आप नॉब ओपन करते हो वो एकदम गैस के फॉर्म में निकलने लगता है, ठीक है। तो पार्टिकल को पास लेके आते हैं हम लोग, फोर्स करके पार्टिकल को पास लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कंप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स व्हाट, बाय अप्लाइंग द प्रेशर ब्रिंग द पार्टिकल टुगेदर दैट प्रॉपर्टीज विद ओनली गैसेस नॉट विद अदर मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच आर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच फोर्सेस आर इंटर मॉलिक्यूलर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर, पहले मैं बता देता हूँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या है, पहले इसको बात कर लेते हैं। तो देखो कोई भी सॉलिड है, जैसे मान लीजिए अगर मैं सॉलिड बना रहा हूँ, सॉलिड है ऐसा, तो सॉलिड बना रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए ये मार्बल्स हैं जो घर में हम बचपन में खेला करते थे, ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये क्या है, मार्बल्स है, ठीक है। तो अगर ये मार्बल्स हैं तो इन मार्बल्स में दे मस्ट बी होल्डिंग दी एटम टुगेदर ना, ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना बेटा, ये एटम जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ के कोई तो फोर्स रखता होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई तो ग्लू लगा होगा जो इन मार्बल्स को जोड़ के रखता होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई तो ग्लू होगा जो इन एटम्स को क्या करता होगा, जोड़ के रखता होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसा, दीज एटम्स आर ग्लूड, ओके, ग्लूड विथ व्हाट, ग्लूड विथ द फोर्स, कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर ग्लूड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट बी फोकस्ड, ध्यान दीजिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, जब किसी भी मटेरियल के एटम्स में, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और यही कारण होता है कि उनके एटम्स आपस में बड़े पास पास चिपक गए रहते हैं, बहुत एकदम पास पास चिपक गए होते हैं, यही कारण होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही उनका ज्यादा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गया कि किसी के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से दूर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पास रहेंगे, कुछ कुछ के एटम्स दूर हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़े से दूर है, ये थोड़े से दूर है, तो थोड़े से दूर है इसका मतलब ये जो अट्रैक्टेड है अभी भी अट्रैक्टेड है, लेकिन दिस अट्रैक्शन इज वीकर एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, इट इज अ वीक एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, पहले केस के कंपेयर में दूसरे केस में एटम्स का अट्रैक्शन जो है वो क्या है, वीक है, इसीलिए ये थोड़ी सी
फ्लुइडिटी होती है इनके अंदर। फ्लुइडिटी मतलब फ्लो हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइटली पैक नहीं है, रिजिड नहीं है, रुके हुए नहीं है। जब रुके नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट है सॉलिड का, दूसरा पॉइंट लिक्विड का। और गैस में तो इनके अट्रैक्शन इतने दूर होते हैं कि वो आपस में बहुत दूर से वीक फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं। दे आर अट्रैक्टेड विद अ वेरी वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड इफ दे आर हैविंग वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव द फ्लुइडिटी। सर गैलियम मेल्ट इवन इफ वी पुट इन आवर पाम, डज इट मीन दैट दी भाई मोहिनी का इतना मैसेज नीचे जिन्हें दिखाता है। I don't know why it is not showing back down. Yes. Does it mean that what? See why gallium melt? Because it is having lower melting point here, and at lower temperature it do melt. Gallium ki melting point बहुत कम होती, इसीलिए ऐसा होता है। और रही बात वो जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम भी दिखाता है। अगर सोडियम को आप एयर के कांटेक्ट में लेके अपने हाथ पे लेते हैं, ऐसे एयर के कांटेक्ट में, it undergoes oxidize and quickly melts. Okay? तो ये चीजें होती है। कुछ कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कुछ कुछ मटेरियल की जो क्विकली मेल्ट होते हैं। सो डज द गैलियम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक? यस यस यस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, दैट्स व्हाई दे आर, यस दैट इज अ मीनिंग, दैट इज अ मीनिंग ऑफ दैट। दे मेल्ट, दे फ्यूज्ड, दे इजिली ब्रेक। सो इफ एनी मटीरियल विच इज ब्रेकिंग इजिली, एनी मटीरियल विच ब्रेक आउट इजिली, दैट विल बी, दैट मीन्स दैट देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। द मटीरियल दोज हु आर नॉट ब्रेकिंग इजिली, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू, सपोज इफ आई एम हैविंग आयरन, आयरन ब्लॉक, आयरन का क्या है बेटा, ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है। तो आयरन का ब्लॉक मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके मेल्टिंग, इसके एटम्स बहुत ही टाइटली हेल्ड टुगेदर रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल टेक टाइम टू फ्यूज, हेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर, हेंस देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, आउटलाइन दिया, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम, ओके, एंड सम मटेरियल आर हैविंग हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सम मटेरियल आर हैविंग लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। द मटेरियल दोज हु आर हैविंग द हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, एंड द मटेरियल दोज हु आर हैविंग लोअर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विल बी हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीजें बस इतनी याद रखनी है, इतनी सी बात है, इसमें कोई नया नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, इसमें बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल, प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल, मतलब जैसे एक एटम है फिर दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में दो फोर्स काम करते हैं। या तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, या तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, या तो एक दूसरे से, मतलब आइदर दे मे बी फ्रेंड्स और दे मे बी एनिमी, दे मे बी फ्रेंड्स और दे मे बी ए एंड बी आर देयर, सो दे मे बी फ्रेंड्स or they can be enemy. So there is an attraction, either they will be attraction means they will be coming closer to each other, or they will go away from each other. If they will go away from each other, you will call ye repulsive force hai. Kaun sa force hai? Repulsive force hai. Aur agar wo aapas mein pass mein aate hain to aap bologe ye attractive force hai. Which force is there? Attractive force. So do alag alag type ke force kaam karenge. Ek hoga attractive force, दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स। सो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों फोर्स काम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसमें, फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। सर प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। यस डियर, सपोज बोथ आर एनायन, If both are anion, या कोई negatively charged particle है, मान लीजिए कोई negatively charged particle है, दोनों एक दूसरे से hit करेंगे ना, फिर तो repulsive force होगा इन दोनों के बीच में, repulsive force होगा। मान लीजिए कोई cation और anion है, मतलब ionic bond है, मान लीजिए आपके बीच में क्या है, किसी के बीच में ionic bond है, तो ionic bond है तो ये क्या करेंगे, एक cation होगा positively charged, दूसरा anion होगा negative charged, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, attraction।
So there will be attraction between each other. So they will be coming closer. So in this case, attractive force. In this case, repulsive force. That's the case. Okay. So the attractive forces decreases with increase the differences. Attractive force क्या हो जाएगा? Decrease होता है if they increase the differences. For example, suppose one cation is here and one anion is here. They were a very good friend, so they are having attractive force. They are having attractive force. And see the difference. Difference means the bond length, you can say distance between the nucleus of one and the nucleus of another. This distance is bond length. Okay, so agar bond length kam hai, agar inka bond length kam hai, it means they are very close to each other and the attractive force is higher, high attractive force. But what will happen if you will just move them away? If you will move them away, so as the distance increases, as this distance increases, you can conclude that the forces are weaker. Forces are weaker. Okay, so you can conclude that the distance increases, their forces will be weaker. For what? For attractive forces. Repulsive ke case mein distance jitna jyada hai, utna hi bol sakte ho ki force strong tha, isiliye usne repel kar diya. Utna hi strong force tha, isiliye usne kya kar diya? Repel kar diya. Ye baat forces of repulsive forces aur attractive forces mein lagu hoti hai, to aapko yaad rakhna hai. Repulsive forces distance are bigger. If the distance are bigger, they will be considered as a stronger. And attractive forces, if the distance are smaller, they are stronger forces. So the attractive forces decreases with increase in distance with the molecules. The intermolecular forces are strong in solid, less strong in liquid, and very, very weak in case of gases. So thus, three physical state of matter can be determined as per strength of intermolecular force. So as per intermolecular forces, three different forces can be determined. Yes, Mohini, boliye, kuch boliye, ab bol rahe the. Bolo beta, please tell. Sabko samajh mein aa raha hai? Anuj, Rishi, Sumaya, Akhilesh, Manjeet. Everyone is getting right. Very good. चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है और इसको थोड़ा सा अच्छे से और ब्रीफ आउट करते हैं। अब हमने एक चीज सीख ली कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने देख लिया, हमने देखा कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब कितने टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये देख लीजिए। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाउ मेनी टाइप्स? सो यस, दिस इज व्हाट, फोर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, चार प्रकार के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? फोर टाइप्स। दे आर ऑफ द फोर टाइप, फोर टू फाइव टाइप मींस लाइक वी कैन कंसीडर इट फोर टू फाइव टाइप बिकॉज या सो फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लंडन फोर्सेस। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द लंडन फोर्सेस, ये दोनों को एक ही कंसीडर किया जाता है। मैं बताऊंगा उसको, अलग अलग उनके नेचर क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, इनके दोनों के डिफरेंसेस बता दूंगा मैं आपको। बट दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो हाउ मेनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर? देयर आर टोटल ऑन द डिस्प्ले वी इफ यू कैन सी, सो नॉट फोर, वी विल बी एबल टू सी द फाइव टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, dipole induced dipole interaction, hydrogen bonding and the London forces. Okay, ये चीज समझ में आ गई सबको? इतना समझ में आ गया, इतने टाइप होते हैं। अब बारी बारी से एक एक फोर्सेस को हम लोग आज पील आउट करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो है dipole dipole interaction, dipole dipole interaction, देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा बच्चा, थोड़े से फोकस्ड होंगे हम सब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है। सो हम लोग एक चीज देख लेते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल डाइपोल देखो एक वर्ड है, इसमें दो चीजें मिल रही है, डाई मतलब टू, पोल्स मतलब एंड, यू कैन से एंड, टू एंड्स। सो व्हेन इफ यू आर हैविंग लाइक सपोज इफ आई एम हैविंग एच बी आर, सो एच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड बी आर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो दे डू हैव पोलैरिटी। इफ दे आर हैविंग पोलैरिटी सो आई कैन से दे आर हैविंग टू डिफरेंट पोल्स, टू डिफरेंट चार्जेस, दे आर हैविंग टू डिफरेंट एंडिंग्स, टू डिफरेंट चार्जेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड एज अ डाइपोल। ओके, डाइपोल मीन्स व्हाट? टू पोल्स, दे आर टू पोल्स। विच आर द टू पोल्स? कौन कौन से टू पोल्स हैं? डाइपोल है उनके पास। डाइपोल मतलब कौन से? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस हैं, और इनको ही, इनसे ही हमारा एक वर्ड आएगा पोलार। पोलार वर्ड, पोलार मतलब सच मटीरियल विच आर हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। ऐसा मटेरियल जिनके पास पॉजिटिव और निगेटिवली चार्जेस होते हैं, मतलब उनको डिसोशिएट करोगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, उनको हम लोग पोलार बोलते हैं। तो जब कभी कोई एक डाइपोल मॉलिक्यूल, जब कभी कोई एक डाइपोल मॉलिक्यूल किसी दूसरे डाइपोल मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, तो हम इस अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू डाइपोल कंपाउंड। किसी दो पोलार कंपाउंड के बीच में क्या है? इंटरैक्शन है। इस इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। मान लीजिए कि आपके पास ए और बी नाम का कोई कंपाउंड, ए और बी नाम का कोई कंपाउंड था जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज थे, ठीक है। दूसरा मेरे पास कंपाउंड है सी और डी नाम का कंपाउंड था, वो भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। तो क्या इस कंपाउंड को हम डाइपोल कंपाउंड बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, और हमारे पास कंडीशन यही है कि डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल कंपाउंड उसे बोलते हैं जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं, या फिर जिसके पास पोलराइजिबिलिटी होती है, या फिर हम अदर वर्ड में क्या बोलेंगे, जो पोलार होते हैं, या फिर जिनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है, उनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, ठीक है। चलो डाइपोल मोमेंट तो मिल गया सर, ओनली वन पॉजिटिव एंड निगेटिव। इट इज नॉट नेसेसरी बेटा, ये पॉजिटिव की क्वांटिटी कितनी है इससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर किसी भी मटेरियल के अंदर अगर पॉजिटिविटी है और निगेटिविटी, कितना पॉजिटिव है उससे लेना देना नहीं। अगर ज्यादा पॉजिटिव है, जैसे कि मतलब ए इज अ प्लस टू एंड बी इज माइनस टू, तो नंबर लाइन पे देखिए इसको, प्लस टू सॉरी माइनस टू यहाँ रहेगा, माइनस टू यहाँ रहेगा और प्लस टू यहाँ रहेगा, तो डिफरेंस ज्यादा है ना बेटा, डिफरेंस ज्यादा है दोनों के बीच में। लेकिन अगर कोई प्लस वन है और माइनस वन है, तो इसके बीच में थोड़ा कम डिफरेंस रहेगा, माइनस वन जीरो और फिर प्लस वन, तो थोड़ा कम डिफरेंस रहेगा। तो अगर डिफरेंस जिसके कम है, जिसके डिफरेंस क्या है, कम है, तो उनके उनकी पोलैरिटी कम होगी। क्या होगा बेटा? उनकी पोलैरिटी कम होगी, उनके डाइपोल मोमेंट कम होंगे। क्या होंगे? डाइपोल मोमेंट कम होंगे, उनकी पोलैरिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन जिसमें डिफरेंस ज्यादा हो, कोई मान लीजिए -3 और +3 चार्ज वाला है, तो इनके चार्जेस बढ़ गए, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट थे, डिफरेंसेस जो ज्यादा थे वो क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अगर डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, सिर्फ चार्जेस के बेसिस पे नहीं बेटा, मैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए कि चार्जेस के बेसिस पे निकालेंगे, ऐसा नहीं है, हम उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। उनके साइज, उनका चार्ज, सब चीज मायने रखता है इसमें, ठीक है। वो देखेंगे, आगे आने वाला है तो देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी जो पोलार है और दूसरा पोलार है, दो पोलार के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स का निर्माण होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए अपने स्लाइड पे आते हैं वापस। डाइपोल का मतलब सबको समझ गया है, ठीक है। हम चलते हैं अपने स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पोलार मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन एक्सपीरियंस करता है? पोलार मॉलिक्यूल।
पोलार कौन होते हैं? जिनके पास डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में गिनते हैं। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल ऑन नेबरिंग मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट को किससे दर्शाता है? म्यू से। म्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज आर। यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट आर, दैट इट इज डेजिग्नेटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू। किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक लेटर म्यू से। देखो डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस है, म्यू से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे म्यू से डिनोट किया। इट इज यूनिट, इट्स यूनिट इज डीबे यूनिट, डीबे यूनिट होता है इसका यूनिट, डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यस यस यस। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। देखो सारे फोर्सेस जो होते हैं ना, बहुत सही क्वेश्चन तुमने पूछा है मोहिनी। देखिए सारे जो फोर्सेस होते हैं बेटा, ऑल फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। जैसे एक मॉलिक्यूल है, आई डोंट नो अबाउट दिस मॉलिक्यूल्स नेचर, ये कोवेलेंट है कि आयोनिक है कि कोऑर्डिनेट है, मुझे नहीं मालूम है इस मॉलिक्यूल का नेचर। लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हुआ रहता है जिस फोर्स से, जिस भी फोर्स से, जरूरी नहीं है कि डाइपोल डाइपोल हो सकता है लंदन लंदन फोर्सेस है, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हो सकता है कि उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोई भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो किसी भी फोर्स के द्वारा अगर कोई मॉलिक्यूल वन है और मॉलिक्यूल टू है अगर अट्रैक्टेड है, तो इस फोर्स को बोलोगे आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलोगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली आपको बता दिया गया कि ये मॉलिक्यूल पोलार है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये वाला भी अनदर वन इज आल्सो पोलार, मतलब ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये भी पोलार है, पोलार है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन किसकी वजह से है? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होने की वजह से अट्रैक्शन है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से अट्रैक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक्सक्लूसिवली हैपन बिटवीन दी पोलार मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू डिफरेंस इन दी पोलैरिटी, पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो हम शॉर्टकट में बोला जा सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एक टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई मोहिनी? प्लीज आंसर करिएगा समझ में आ गया है तो, बाकी बच्चे भी बताएं मुझे कि समझ में आ गया है। यस प्लीज लेट मी नो गाइस। यस ओके ग्रेट ग्रेट, आई एम गेटिंग द ग्रीन सिग्नल एंड इट्स रियली नाइस व्हेन वी सी दिस सिग्नल, राइट? थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसे देखते हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो बेटा डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब एक ऐसी चीज है जो डायरेक्शन से भी मायने रखती है। डायरेक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा ये भी मायने रखता है इसमें। इसमें क्या मायने रखता है? इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, दैट ऑल्सो डू मैटर। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेरी सॉरी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डेपिसिट दी स्मॉल एरो विद अ टेल। तो एक एरो से, टेल के एरो से ऐसे हम लोग दिखाते हैं डायपोल मोमेंट को। तो ये एरो किधर जाता है? जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव होता है उधर जाता है, और ये क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, या फिर इन अदर वर्ड्स बोल सकते हो जो निगेटिव होता है उसकी तरफ एरो का हेड होता है, और जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ एरो का टेल होता है, ठीक है? और ये डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सुमैया समझ में आ रहा बेटा? ऋषि, अखिलेश, अंकिता,
सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जस्ट कंफर्म। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस बच्चे को नहीं समझ आया प्लीज पुट इट सर, प्लीज रिपीट। यस मोहिनी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। सी, आई जस्ट टोल्ड दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा? वेक्टर। आप लोगों ने वेक्टर्स का नाम सुना होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स और वी कैन से डिपेंड अपॉन द बोथ थिंग्स, मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी चीज जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर डिपेंड करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंपाउंड था, ए और बी नाम का कंपाउंड था, और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था, मतलब एक डेल्टा पॉजिटिव था एक डेल्टा निगेटिव था। तो आप इसकी पोलैरिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो आप इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, आपका एक एरो रहेगा, एरो के हेड होंगे, देखो ये हेड है और ये एरो का टेल है, टेल है। टेल साइड किस साइड रहेगा? प्लस के साइड रहेगा, और हेड साइड किस साइड रहेगा? निगेटिव के साइड रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन हुआ है वो किस साइड गया है? बी की तरफ ज्यादा गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इसीलिए ये एरो का जो हेड है और ये टेल है, और इट इज अ डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैटर करता है, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब यहां पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ओके, दिस बोथ डू मैटर। ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डज इट मीन इलेक्ट्रॉन गेन बाय बी? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन, दैट द इलेक्ट्रॉन गेन बाय द बी एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ए, सो दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट, ओके, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। It's not dipole interaction, it's a it shows the polarity, it shows the polarity, ठीक है, polarity, या फिर इस एरो का दूसरा नाम है dipole moment के लिए यूज करते हैं, dipole moment को दिखाने के लिए, what to show? Dipole moment, to show the dipole moment we are using this, okay, so is it clear with you all? ये चीजें clear हो गई हैं आपको? अगर क्लियर हो गई तो हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है? नेगेटिव सेंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। तो मैंने बताया एयर विल बी हेड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर एंड द टेल विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, एंड यू कैन सी दिस डायग्राम इज गिवन विद यू, एंड देयर इज सम एग्जांपल बिटवीन द क्लोरीन एंड आयोडाइड, आयोडीन एंड क्लोरीन के बीच में अगर आपको दिखाना है, जैसे मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि सर आप मुझे ना एक दो एग्जांपल करके दिखाइए, तो मैं पहला दिखाता हूँ HCl का एग्जांपल, ठीक है, HCl का एग्जांपल। तो H और Cl के बीच में मैं ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा, H क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव, Cl क्या होता है? डेल्टा निगेटिव, और इनके बॉन्ड के ऊपर मैं ऐसे एरो करके दिखाऊंगा, इससे पता चलेगा कि Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर मुझे वाटर का दिखाना है, वाटर का, वाटर को मैं कैसे लिखूंगा? एच ओ एन एच ऐसे लिखूंगा, जहां पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये देखो डेल्टा निगेटिव ये है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। तो एरो कहां से कहां जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे 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 दिखाना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है? वाई डेल्टा, डेल्टा इज अ पार्शियल चेंज बेटा, पार्शियल आंशिक रूप से चेंज है, चेंज के लिए दिखाते हैं कि कितना चेंज हुआ है, डेल्टा इज यूज टू शो द चेंज, ओके, इट इज यूज टू शो द चेंज, समझ में आ रहा है बात आपको? अमोनिया है या फिर कोई दूसरा कंपाउंड, मान लीजिए मुझे HF है, HF का दिखाना है, HF का, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, ओके, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, तो एरो कैसे दिखाएंगे आप? ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, आपको एरो कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना। तो ये डाइपोल मोमेंट के एरोज हैं, ये कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, ये जनरली बॉन्डिंग में हमने सीखा था, बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर था, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने सीखा था, तो यहाँ पर उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, जितना पढ़ा दिया गया वो काफी है उतना, ठीक है। तो चलिए आगे वाले स्लाइड की तरफ रुक करते हैं और थोड़ा और सीख के ये करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, जरा सा रुक जाइए, मैं
आपको और दिखा देता हूँ कुछ और कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने देख ली, ये भी देख लिया हमने, डाइपोल डाइपोल की पोलारिटी मैंने देख ली। सो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इन ब्रीफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में और क्या खास बातें हैं देखते हैं। इन ब्रीफ मोर पोलार दी सब्सटेंस, जितना पोलार सब्सटेंस रहेगा, मोर पोलार दी सब्सटेंस ग्रेटर दी स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर अगर पोलैरिटी ज्यादा है, अगर क्या है पोलैरिटी ज्यादा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होने वाला है बच्चा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विल बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो इफ टू पीपल आर हैविंग मोर पोलैरिटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, सो व्हाट विल हैपन, देयर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विल बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। एंड एनलेस द सेवरल सब्सटेंसेस विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस बट डिफरेंट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम टेबल 10.2, इट इज क्लियर दैट द हायर द डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्गर आर द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम लोग को याद रखना है कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा, डाइपोल मोमेंट बनेगा, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, जितना डीबे डीबे में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, डीबे में, डीबे में मेजर करते हैं, तो जितना ज्यादा डीबे रहेगा क्वांटिटी, उतना ही ज्यादा क्या होगा उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, और उतना ही ज्यादा उनकी बॉइलिंग पॉइंट रहेगी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, राइज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल देखिए, आपके लिए सैंपल के लिए मैंने दिया है, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा, किसी बच्चे को नहीं समझा सर मोर पोलैरिटी कब होगी, मोर पोलैरिटी तब होगी जब उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोहिनी, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वाई डीबे सर, डीबे इज अ यूनिट बेटा, डीबे इज अ यूनिट टू मेजर दी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसका नाम है डीबे, डीबे यूनिट है, ठीक है, डीबे हकल रूल, एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा अगर तुम ऐसा पूछ रही हो कि डीबे क्यों है, तो डीबे एक साइंटिस्ट का नाम भी है, ये डीबे इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अच्छा चलिए बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, इन दोनों के बीच सर मोर पोलैरिटी कब होगी। यस मोहिनी ने क्वेश्चन पूछा है मोर पोलैरिटी कब होगी। देखिए बेटा एकदम आसान सा समझ में, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए लिथियम है और क्लोरीन है, मान लीजिए लिथियम क्लोराइड आपने बनाया, लिथियम एंड क्लोरीन, फिर सोडियम एंड क्लोरीन बनाया आपने, फिर पोटेशियम एंड क्लोरीन बनाया, और फिर सीजियम एंड क्लोरीन बनाया। सब में देखिए क्लोरीन क्लोरीन है, लेकिन सोडियम और क्लोरीन है, फिर पोटेशियम क्लोरीन है ऐसा। तो अब क्या होता है, अब आपको बताया कि लिथियम से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होती है ना, पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, ये बात आपको पता है। जब ये बात आपको पता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ जाते वक्त, तो ये जो है लिथियम कम पॉजिटिव है और ये सीजियम ज्यादा पॉजिटिव है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सीजियम क्लोराइड है इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एंड क्लोरीन तो वैसा ही रहेगा जितना है, ठीक है, और लिथियम में डेल्टा पॉजिटिव कम पॉजिटिव है एज कंपेयर टू सीजियम, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और जब मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस मतलब इसको घटाओगे, जैसे N2 - N1 कर दोगे, घटा दोगे अगर, तो जो डिफरेंस आएगा, और इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस ज्यादा होने वाला है ना। सो इफ द डिफरेंस इज मोर, डिफरेंस इज मोर, ये जो डिफरेंस ज्यादा होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होने वाले हैं, इनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी मतलब लाइक डाइपोल मोमेंट भी क्या होंगे इनके, ज्यादा होंगे, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी ज्यादा होगी, और ऐसे केस में क्या होगा, दे विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कुछ कुछ एग्जांपल है मेरे पास, सब्सटेंस है मेरे पास और उनके डाइपोल मोमेंट 0.1 है, एक दूसरा सब्सटेंस है मेरे पास जो 1.3 है, और Cl है 1.9, और CH3 है ये है 3.9, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। अब जब इनको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इफ द डाइपोल मोमेंट इज इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। डाइपोल मोमेंट जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आ गई अच्छे से, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं है, यही चीज मैं बताना चाहता था। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमें समझ में आ गया है, ठीक है।
रही बात दो तीन और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिन्हें हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की, फिर हम बात करेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की बात करेंगे हम लोग, फिर आयन डाइपोल की बात करेंगे हम, बात करेंगे लंडन फोर्सेस की, बहुत सारे हैं। थोड़ा आराम से चलेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड अल्टीमेटली देन देयर इज नो यूज। ठीक है, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाना है, अच्छे से सीखना है। जब तक सीखेंगे नहीं अच्छे से, तब तक ग्रो नहीं होंगे बेटा। सो दैट इज व्हाट इज अवर गोल। ठीक है, दैट इज व्हाट अवर गोल। तो हमारा गोल यही है कि अच्छे से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं और कल फिर मुलाकात होगी। प्लीज आप सब रेगुलर अटेंड जब करेंगे तो ही आप अच्छा कुछ कर परफॉर्म कर पाएंगे। देर आर मेनी स्टूडेंट दोज हु आर वेरी वेरी रेगुलर एंड अदर्स ऑल्सो प्लीज बी रेगुलर। सो इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड। इट विल बी वेरी इंथुजियाजिव सेशन एज वेल एज यू विल बी एबल टू ग्रास्प मोर। बिकॉज इफ यू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस क्लास, इफ यू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस कंटेंट, डेफिनेटली ये आपके लिए टीडियस जॉब होने वाला है, जो कि आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि रेगुलर रहिए। जब रेगुलर रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, कल फिर बात करेंगे, और कल सेम टाइम पे रहेगा, 6:30 को हमारा है टाइमिंग, और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।